दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया ओपन है और अपना बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट किया जाता है, इसका क्या है कंप्लीट प्रोसेस वो मैं आपको शुरू में बताने वाला हूं। जब आपका बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। उस यूजर नेम और उस पासवर्ड के माध्यम से आप इजी वे में अपना बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग सेवा में लॉग इन करके जो भी आप बैंक अकाउंट का ऑनलाइन काम करना चाहते हो वो कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से यहाँ पे आप अपना इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट करेंगे आप अपना बैंक अकाउंट का, इसका जो लेटेस्ट प्रोसेस होता है आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने मोबाइल फोन में जो क्रोम ब्राउजर है उसे यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर नजर आता हूँ सर्च पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है BOI रिटेल, सेम एज आपको टाइप करके आपको सर्च करना है और यहाँ पे एक सेटिंग आपको इनेबल करना होगा। अगर आपने मोबाइल फोन में ओपन किए होंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग आपको कर लेना है। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए थ्री डॉट लाइन नजर आता होगा, इस आपको क्लिक करना है और नीचे आपको आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डेस्कटॉप साइड, तो इस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर टिक कीजिएगा तो फाइनली जो आपका ब्राउजर होता है डेस्कटॉप साइड में एनेबल हो जाता है। उसके बाद जो भी आप काम कीजिएगा वो सब कुछ यहाँ पे इजी वे में कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में है, अगर टिक नहीं होगा तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर में ही पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग रिटेल साइन नजर आता होगा, ठीक है। तो पहला ही लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, अब इसे स्किप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे स्किप का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग सेवा का जो होम पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है और इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहीं से जो भी आपका बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग सेवा होता है उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो अभी आप लॉग इन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे कि लॉग इन करने के लिए यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है, देन यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करके फाइनल आप अपना अकाउंट में लॉग इन हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। उसके लिए नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू यूजर का, देखिए यहाँ पर न्यू यूजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको न्यू यूजर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, क्या क्या डिटेल आपको फिलअप करना होगा सब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिटेल फिलअप करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट को आपको अपने पास रख लेना है। जैसे कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जो भी आपका बैंक का पासबुक है वो अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास ATM कार्ड डेबिट कार्ड है वो अपने पास रख लीजिए और जो भी आपका बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि OTP वगैरह आएगा। जो भी डिटेल फिलअप होगा वो आपको पासबुक पर मिल जाएगा, साथ ही साथ जो भी आपके पास डेबिट कार्ड ATM कार्ड है उस पर मिल जाएगा। इतना डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रख लेना है, ठीक है। तो चलिए डिटेल फिलअप करने का प्रोसेस समझा देता हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट फैसिलिटी और यहां पे सिलेक्ट होता है व्यू ओनली, तो यहां पे व्यू ओनली आपको नहीं रखना है क्योंकि आपको ऑनलाइन तरीके से सभी काम को करना है। उसके लिए इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है व्यू एंड ट्रांजैक्शन। अगर आप व्यू ओनली क्लिक कीजिएगा और इसे सेलेक्ट करके रखिएगा तो कुछ ही कामों को आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा पूरा काम करना है यहां पे व्यू एंड ट्रांजैक्शन, इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा यहाँ पे अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ये आपको पासबुक पर मिल जाएगा। पासबुक पर देख लीजिए जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो दूसरा कॉलम में यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना होता है। मोबाइल नंबर फिलअप करने से पहले आपको समझना होगा यहाँ पे सिंपल से जो आपका मोबाइल नंबर है सेम एच उसी प्रकार से आपको नहीं फिलअप करना है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी इंडिया का कंट्री कोड होता है, जैसे कि इंडिया का कंट्री कोड 91 होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे 91 लगाना है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर का 10 डिजिट होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। प्लस आपको नहीं लगाना है, फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले 91 लिखना है, उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर आपको 9835 से शुरू होता है तो 9835, उसके बाद जो भी कंप्लीट डिजिट होगा वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं, बस यहां पे प्लस आपको नहीं लगाना है। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहां पर आपको फिलअप करना है और यहां पर वही मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा जो आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक होगा। कैप्चा कोड वगैरह यहां पर डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था, जो भी आपका बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लास्ट का यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर कुछ डिजिट यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए OTP ID यहाँ पर नजर आ जाता है, तो एक बार अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए, उस पर एक SMS आया होगा, उसमें पासवर्ड होगा, एक OTP होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको सबसे पहले फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद फाइनली आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाता है, देन आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाता है। अब इस पेज पर जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसका डिटेल आपको फिलअप करना होगा। अगर आपके पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन तरीका से यहां से आप अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना बैंक ब्रांच विजिट करना होगा, वहीं से आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करवाना होगा। ठीक है, तो मेरे पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड है, तो सबसे पहले अपने पास एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड रख लीजिए। अगर आपके पास होगा तो उस पर ही जो डिटेल होता है वही डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला डिटेल यहां पर नजर आता होगा डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड का जो फर्स्ट 4 डिजिट होता है वो आपको पहला कॉलम में आपको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पर देखिए यहां पे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड का यहां पे मैं दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए फर्स्ट 4 डिजिट है वो पहला कॉलम आपको फिलअप करना है, देन जो लास्ट का 4 डिजिट है वो दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है। ठीक है, स्क्रीन पर देखते जाइए कहां पे मिलता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड पे एक्सपायरी डेट होता है, कब तक वो वैलिड डेट है, वो एक्सपायरी डेट यहां पे तीसरा कॉलम आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपने अपना एटीएम कार्ड का 4 डिजिट का पिन बना करके रखा होगा उस पिन को यहाँ पे चौथा कॉलम आपको फिलअप करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे खुलकर आ जाता है जहां पर आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। उससे पहले अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे तो जो भी आपका बैंक अकाउंट आपका डिटेल वगैरह होता है सब कुछ यहाँ पे डिटेल आपके पास हो जाता है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा, जो भी यहाँ पे पासवर्ड आप फिलअप कीजिएगा उस पासवर्ड को आपको कहीं नोट करके रख लेना ताकि आप भूले ना। अगर आप भूल जाए तो वहां पर नोट रहेगा, तो वहां से आप देख करके आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना लेना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करने का मतलब होता है 8 डिजिट से ज्यादा आपको बना लेना, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि स्टार हो गया, हच हो गया, एट द रेट हो गया, फुल स्टॉप हो गया, और कुछ यहाँ पे न्यूमेरिक शब्द जैसे कि 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए एग्जांपल तौर पे यहाँ पे एक पासवर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में अपना अनुसार अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उस पासवर्ड को पहला कॉलम आपको फिलअप करना है, देन सेम पासवर्ड को नीचे दूसरा कॉलम आपको फिलअप करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, यहाँ पर नजर आता होगा योर रिक्वेस्ट टू क्रिएट इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी सक्सेसफुल। अब फाइनली आपका पासवर्ड भी यहाँ से क्रिएट हो चुका है, आपका यूजर आईडी भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नजर आता होगा ओके, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे ओके पर क्लिक करता हूं उसके बाद फाइनली जो आपका यूजर आईडी था वो सक्सेसफुली यहां से आपका जनरेट हो चुका, क्रिएट हो चुका है। अब यहां पे एक काम और कर लेना है, जो भी यहां पे आपके पास यूजर आईडी क्रिएट हुआ इस पेज को आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या फिर जो भी यहां पे यूजर नेम वगैरह आपका यूजर आईडी क्रिएट हुआ उसके कहीं भी आपको नोट करके रख लेना ताकि आप भूले ना। सबसे पहले आपको पासवर्ड नोट कर लेना है, साथ ही साथ जो भी यहाँ पे यूजर आईडी आपका बना है उससे भी आपको नोट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं, तो सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपके पास हो जाता है, उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पे सो जाता है, उसके बाद जो भी आपका कस्टमर आईडी होता है वो यहाँ पे सो जाता है, उसके बाद जो भी आपका नाम होता है वो यहाँ पे सो जाता है। सबसे मेन पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो नीचे ही देखिए यहाँ पर जाता है, लॉग इन यूजर आईडी। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका यूजर आईडी बना होगा वो यहाँ पे यूजर आईडी आपके पास नजर आता होगा। इस यूजर आईडी को आपको नोट कर लेना, साथ साथ आपको पासवर्ड भी आपको नोट कर लेना है या फिर आपको याद रखना है, बेहतर होगा आप नोट ही कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड था उसी के माध्यम से आप लॉग इन करना होगा, क्योंकि फाइनली आपका जो यूजर आईडी क्रिएट होना था या तो फिर जो भी आपका पासवर्ड क्रिएट होना था वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना, जैसे कि अभी आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हुआ है तो तुरंत का तुरंत लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, पूर्णता एक्टिवेट होने में करीबन 1 दिन का यहाँ पे समय लग जाता है, 24 से 48 घंटा का यहाँ पे समय लग जाता है। जैसे कि सबसे ऊपर में पहला ही लाइन में नजर आता होगा यू वुड बी एबल टू एसेस योर अकाउंट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आफ्टर 1 वर्किंग डे यहाँ पर नजर आता होगा, मतलब करीबन यहाँ पे 24 से 48 घंटा का समय लग जाता है। ठीक है, तो चलिए लॉग इन करने का प्रोसेस भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए दोबारा से आपको होम पेज पे आ जाना है। ठीक है, अभी आपका इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट नहीं था तो न्यू यूजर पर जाकर के अब अपना बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग सेवा आप एक्टिवेट कर चुके हैं। एक्टिवेट जब हो जाता है तो आपका यूजर नेम पासवर्ड आपका बन जाता है। अब यूजर जो आईडी है, जो भी आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है उसी के माध्यम से आपको लॉग इन करना होगा। तो लॉग इन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे यूजर आईडी आपको फिलअप करना है, देन जो भी आपका अभी पासवर्ड क्रिएट हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप करके और आपको सबमिट पर क्लिक करके फाइनली आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तुरंत का तुरंत लॉगिन नहीं हो पाएगा तो आपको टाइम टू टाइम आपको चेकआउट करते रहना है। बेसिकली यहाँ पे 24 से 48 घंटा तक आपका समय लग जाता है, तो इसके बाद में ही आप लॉग इन कीजिएगा तो फाइनली अपना अकाउंट में लॉग इन हो जाएगा, या फिर आप लगातार यहाँ पे कुछ समय के बाद आप यहाँ पर लॉग इन करके देखते रहिएगा, अगर आप लॉग इन हो जाते हैं तो फाइनली आपका एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दिया सब कुछ आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इंटरनेट बैंकिंग सेवा एक्टिवेट करते समय कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।